दोस्तों आज के टाइम में अगर किसी कंपनी के पास इंडिया में सबसे ज्यादा कार्स हैं तो वो है मारुति। लेकिन अभी ये कंपनी क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस्ड है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही ग्लोबल एनकैप ने मारुति की 3 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया है, जिस टेस्ट में इन कार्स ने केवल 1 स्टार अचीव किया है। इंडियन मार्केट का लार्जेस्ट शेयर होल्डर होना और कार्स की सेफ्टी की तरफ ना ध्यान देते हुए केवल 1 स्टार अचीव करना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों। और वो जो 3 गाड़ियां हैं वो है स्विफ्ट, एक्सप्रेसो और इग्निस। और इन तीनों कार्स में सबसे ज्यादा अचंभा तो मेरे को स्विफ्ट को देकर हो रहा है, बाकी कार्स का तो पता नहीं, लेकिन यार स्विफ्ट कम से कम 3-4 स्टार्स तो लेके आनी ही चाहिए थी। अब तक तो हम ये सोच रहे थे कि बढ़ते कंपटीशन में मारुति अब क्वालिटी पर ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए अच्छी गाड़ियां बनाएगी, लेकिन इस क्रैश टेस्ट ने हम लोगों की आंखें खोल के रख दी हैं। अब तो नई वाली बलिनो जिसको बोला जा रहा था कि पहले से ज्यादा सेफ है, अब तो उस पे भी डाउट होने लगा है भाई। अब मेरे जिन भाइयों के पास नई वाली बलिनो है उनको तो केवल मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले घबराना नहीं।